गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू राइट पोर्शन ऑफ लेसन 7। आज हम लेसन 7 का राइट वाला पोर्शन करेंगे। राइट मीन्स होता है लिखना। फर्स्ट इज लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द डायलॉग। लुक एट द पिक्चर मीन्स यहाँ पर आपको जो पिक्चर दिख रही है, इस पिक्चर को देखो और ये जो डायलॉग्स यहाँ पर लिखे हुए हैं ये इनकम्प्लीट है, इन्हें कंप्लीट करो। ठीक है, इनमें से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आनंद और राजा के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है, बातचीत हो रही है। तो यह आनंद है और यह राजा है। ठीक है, यह आनंद है और यह राजा है। आनंद कहता है बाइसिकल। आनंद सबसे पहले, आनंद ने जो बात पूछी वह यहाँ पर इनकम्प्लीट है। अब हमें सिर्फ इतना पता है कि उसने बाइसिकल के बारे में पूछा, तो उसने यह पूछा होगा कि क्या यह बाइसिकल है। वो यह तो नहीं पूछेगा कि यह क्या है। अगर उसने यह पूछा होता कि यह क्या है, तो यहाँ पर होता व्हाट इज दिस या व्हाट्स दिस। लेकिन उसने क्वेश्चन में बाइसिकल आ रहा है, मतलब उसने यह पूछा होगा कि क्या यह बाइसिकल है। तो हम इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इज इट बाइसिकल, क्या यह बाइसिकल है। फिर राजा कहता है नो इट्स नॉट, इट्स अ ट्राइसाइकल। राजा कहता है कि नहीं, यह बाइसाइकल नहीं है, यह ट्राइसाइकिल है। अब हमें कैसे पता चला कि यहाँ पर नो इट्स नॉट आएगा, क्योंकि राजा का जो एंड वाला लास्ट वाला सेंटेंस है वह क्या है, इट्स अ ट्राइसाइकिल, यह एक ट्राइसाइकिल। ट्राइसाइकिल मीन्स तीन पहिए वाली साइकिल है। तो राजा ने यही कहा होगा कि यह बाइसिकल नहीं है, यह ट्राइसाइकिल है। ठीक है, तो नो इट्स नॉट मीन्स नहीं, यह बाइसिकल नहीं है, इट्स अ ट्राइसाइकिल। फिर आनंद कहता है इज इट योर ट्राइसाइकिल। आनंद कहता है कि क्या यह तुम्हारी ट्राइसाइकिल है। राजा यस इट इज, राजा कहता है हाँ यह मेरी ही साइकिल है। फिर आनंद कहता है डज इट हैव अ बेल। बेल मीन्स घंटी, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। तो आनंद कहता है कि क्या इस साइकिल में बेल है। तो फिर राजा कहता है यस इट हैव, राजा ने ऐसा कहा होगा कि यस इट हैव, क्योंकि इसमें हमें यहाँ पर बेल दिख रही है। तो राजा ने भी कहा होगा कि हाँ इसमें बेल है। फिर आनंद कहता है रिंग इट लाउडली। रिंग मीन्स बजाना, लाउडली जोर से। तो आनंद राजा को कहता है कि जोर से बजाओ। किसे जोर से बजाना है, इस बेल को। देर इज़ नो नीड टू राइट दिस क्वेश्चंस इन योर कॉपी। इन क्वेश्चंस को कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल इसे बुक में ही करें। तो नाउ आवर सेकेंड क्वेश्चन इज लुक एट द पिक्चर। लुक मीन्स देखना। लुक एट द पिक्चर, पिक्चर को देखो। यू कैन सी हियर अ पिक्चर, आप यहाँ पर एक पिक्चर देख सकते हैं। आपको इस पिक्चर में देखना है कि क्या बना हुआ है। एंड आंसर द क्वेश्चंस, और उसके बाद आपको ये जहाँ पे क्वेश्चंस दिख रहे हैं इनके आंसर्स लिखना है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स दिस। व्हाट मीन्स क्या, दिस मीन्स यह, व्हाट्स दिस यह क्या है। अब ये जो क्वेश्चन है यह क्या है, यह किसके लिए है, यह इस पिक्चर के लिए पूछा गया है कि इस पिक्चर में क्या है। तो हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यह एक ट्री है, पेड़ है। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, दिस इज अ ट्री। व्हाट्स दिस, दिस इज अ ट्री। यह क्या है, यह एक
पेड़ हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज ईट अ मैंगो ट्री। इज इट अ मीन्स क्या यह एक मैंगो ट्री है। तो हमें फिर से इसके आंसर के लिए पिक्चर को देखना होगा। तो क्या हमें इस ट्री के ऊपर मैंगोज दिख रहे हैं? कैन यू सी मैंगोज ऑन दिस ट्री? हमें इस ट्री पर मैंगोज नहीं दिख रहे हैं, हमें यहाँ पर एप्पल्स दिख रहे हैं। तो यह मैंगो ट्री नहीं है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? नो इट्स नॉट। नो मीन्स नहीं, यह मैंगो ट्री नहीं है। इट इज एन एप्पल ट्री, यह एक एप्पल ट्री है। थर्ड क्वेश्चन इज डू यू लाइक एप्पल्स। लाइक मीन्स पसंद करना। डू यू लाइक एप्पल्स, क्या आप एप्पल्स पसंद करते हैं? द आंसर इज यस इफ यू लाइक एप्पल्स। अगर आप एप्पल्स पसंद करते हैं तो आपको क्या लिखना है? यस आई लाइक एप्पल्स। यस मैं एप्पल्स पसंद करती हूँ। लेकिन अगर आप एप्पल्स पसंद नहीं करते हैं तो आपको क्या लिखना है? नो आपको इस यस के प्लेस पे नो लिखना है। नो आई डू नॉट लाइक एप्पल्स, नहीं मुझे एप्पल्स पसंद नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन इज विच इज योर फेवराइट फ्रूट। विच मीन्स कौन सा फेवराइट पसंदीदा फ्रूट फल, आपका पसंदीदा फल कौन सा है? यहाँ पर आंसर में आपको क्या करना है? यह जो ब्लैंक स्पेस आपको दिख रही है, इस ब्लैंक स्पेस में आपको आपका फेवरेट फ्रूट का नेम लिखना है। चाहे वो मैंगो, बनाना, एप्पल, ग्रेप्स, जो भी है आपको वह यहाँ पर लिखना है, उसका नेम लिखना है। उसके बाद आपको सेम क्वेश्चन से ही लिखना है, इज माई फेवराइट फ्रूट। सपोज कीजिए आपने अगर यहाँ पर लिखा है मैंगो, तो क्या हो जाएगा? मैंगो इज माई फेवराइट फ्रूट, मैंगो मेरा पसंदीदा फ्रूट है। देर इज नो नीड टू राइट दिस क्वेश्चन इन योर कॉपी। आपको इन क्वेश्चन को आपकी कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है।